हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित यहाँ बात कर रहे हैं। सीआईबी का बीएफएम केस स्टडी है। पहला सवाल देखिएगा, बोलते हैं कि ऑन जुलाई 5th एन एक्सपोर्टर इन इंडिया सबमिट $50,000 टू मंथ यूजेंस बिल ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन एन इम्पोर्टर इन यूएस। द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इज 25 डेज। द इंटर बैंक करेंसी रेट आर लेस गिवन। बोलता है कि जुलाई 5 को एक्सपोर्टर जो है भारत का, वो $50,000 का सबमिट करता है, जहाँ पे दो मंथ के यूजेंस बिल है लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत, जो कि इम्पोर्टर है यूएस में। बोलते हैं जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 25 दिन का है, इंटर बैंक करेंसी रेट जो है वो लिखा हुआ, जैसे स्पॉट रेट लिखा हुआ $1 इक्वल टू 65.000 और 5,000 है, ठीक है। इस तरीके से जो स्पॉट रेट, जुलाई फॉरवर्ड मार्जिन, अगस्त फॉरवर्ड मार्जिन, सितंबर फॉरवर्ड मार्जिन, अक्टूबर फॉरवर्ड मार्जिन, और फिर बताता है कि एक्सचेंज मार्जिन जो होगा 0.15% होगा। कस्टमर की इच्छा है कि वो 20% जो पैसा है वो करंट अकाउंट में मेंटेन करे यूएसए में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होगा 10%। और यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको, आपको पहला चीज कैलकुलेट करना है रेट, जो क्या रेट पे कस्टमर को कोट किया जाएगा यूएस डॉलर को। दूसरा है ग्रॉस अमाउंट क्या क्रिएट होगा कस्टमर के अकाउंट में। तीसरा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिडक्ट होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है आपको ये समझना है कि जो बिल है वो है 5 सितंबर का। यहाँ पे आपको 25 दिन ट्रांजिट पीरियड है लिखा हुआ, 25 डेज ट्रांजिट पीरियड है। फिर आपको उसके बाद लगा 2 महीने का यूजेंस बिल है, ठीक है, अगस्त और सितंबर। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा आपको समझने में। द बिल डेटेड, द बिल डेटेड जुलाई 5th हैज 25 ट्रांजिट पीरियड, ठीक है, प्लस 2 मंथ यूजेंस बिल है आपका, यानी अगस्त प्लस सितंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट आपका जो गिरेगा 30 सितंबर को गिरेगा, यानी हैंस द पेमेंट सेल फॉल ड्यू ऑन September 30, ठीक है। द उसका बोलता है जो एक्सपोर्टर होगा उसको अलाउड होगा यहाँ पे कि वो बेनिफिट ले सके सेप्टेम्बर फॉरवर्ड मार्जिन का, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। तो द एक्सपोर्टर विल बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ सेप्टेम्बर फॉरवर्ड मार्जिन since the payment is due on last day of September, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, फर्दर जो इंटरेस्ट होगा ना आपका वो कस्टमर के अकाउंट से रिकवर किया जाएगा जिस डेट से डिस्काउंट से लेके रियलाइजेशन के डेट तक। उसके बाद जो भी अमाउंट उसको कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करना था उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहां आप लिख लीजिए फर्दर इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू डेट ऑफ रियलाइजेशन
on the amount to be created on the amount to be credited ठीक है to his account उसके बाद हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया कि that is 80% of the bill amount is 20% of the balance to be retained in US to be retained in US clear हो गया यूएसए के अकाउंट में ऐसे लिख लो फिर अब देखिए आप स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है 65 पॉइंट ठीक है यहाँ पे ऐड कर दीजिए ऐड मतलब प्लस हो गया क्या प्लस हो गया प्रीमियम सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख लो सितंबर का प्रीमियम आप ऐड कर दो वो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है 85 पॉइंट ये वाला ठीक है वो ऐड कर सॉरी यहाँ पे ऐड कर दीजिए 65 पॉइंट इतना प्लस 0.85 सॉल्व करेंगे 65.85 उसके बाद बोलता है डिडक्ट करिए मार्जिन ठीक है माइनस हो गया मार्जिन मार्जिन भी बताया हुआ है आपको देखिए कितना है 0.15% ठीक है तो वो क्या हो जाएगा 65.85 माइनस 65.85 का 0.15% सॉल्व करना होगा आपको 65.85 माइनस 0.09878 विच इज इक्वल टू 65.75122 क्लियर हो गया अब आप जो फाइनल ये पहला आंसर आ जाएगा आपको फाइनल रेट आपको जानना था तो वो हो जाएगा 65.75122 इसको आप राउंड भी कर सकते हो 65.75 ठीक है अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है ग्रॉस अमाउंट क्या कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट होगा ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर यानी जो कस्टमर को क्रेडिट करना है ड्यू टू कस्टमर ही है ठीक है या टू बी क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट ड्यू टू कस्टमर हो गया ये आप ऐसा लिख सकते हो क्रेडिट तो यहां पे आ जाएगा आपका एक चीज ध्यान दीजिएगा आ जाएगा कि आपका 65.75 मल्टीप्लाई बाय यहां पे जो हो जाएगा वो 50,000 जो इसका डॉलर था उसमें 20% सॉरी उसमें 80% ही वो ले जा सकेगा बाकी 20% उसको यूएस में ही रखना है ठीक है इस चीज को आप यहां पे नोट करके लिख लीजिए अच्छा यहां पे आप पहले सॉल्व कर लेते हम लोग सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा आपका टू सिक्स थ्री ठीक है यहाँ पे आप एक लाइन भी लिख दो सिंस 20% टू बी रिटेन्ड इन यूएस अकाउंट ठीक है और क्लियर हो गया अब थर्ड पॉइंट पाइए बोलता है इंटरेस्ट ठीक है इंटरेस्ट क्या डिडक्ट होगा इंटरेस्ट डिडक्टेड लिख लो ठीक है कितना है 10% के लिए लिखा होता है 10% के हिसाब से है अब आपको कितना डेज के लिए होगा 25 दिन ट्रांजिट पीरियड है ठीक है प्लस अगस्त का पूरा महीना जो होता है आपका एयूजी अगस्त 31 दिन का होता है प्लस 30 दिन का सितंबर होता है दोनों मिला सब मिला दिए 86 डेज हो गया इतने दिन तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा
तो क्या हो जाएगा 263 ठीक है 86 डेज मल्टीप्लाई बाई 10 परसेंटेज है तो हम इसको 10 बाई 100 भी लिख सकते हैं और इसको इतना डिवाइड बाई 365 भी आप लिख सकते हैं ठीक है। सॉल्व करना था तो आपको आ जाएगा आंसर रुपीज 61967.123। अब है अगर आपसे कोई पूछा नेट अमाउंट क्या हो जाएगा तो नेट अमाउंट हो जाएगा आपका 26300 माइनस 61967.123। सॉल्व कर दिया आपने आंसर आ जाएगा 2568032.877। यही आपका आंसर है। आप चाहे तो जीआईबी और सीआईबी कोर्सेज खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी कोर्सेज का ऑनलाइन मोड पे आपको पढ़ाया जाएगा। इसका लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसके हेल्प से वीडियो लेक्चर कोर्सेज देख सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2007 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक विजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जीआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं इसका दाम है 2000 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 600 रुपये। जीआईबी का कॉम्बो पैक खरीदते हैं तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपल्सरी पेपर खरीदते हैं ईवीएम प्लस बीएफएम जिसका दाम है 3500 रुपये, ऑफर प्राइस में 1100 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपल्सरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस है 1500 रुपये। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज और कॉम्बो पैक मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो गया www.jivcivstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया sirsena123@gmail.com।